अगर आप घर के बाहर अच्छे खाने के शौकीन हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर के बाहर खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर भी खाने के शौकीन हैं तो ज़रा रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए। यहाँ आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल रेस्टोरेंट्स में खिलाए जाने वाले माउथ फ्रेशनर आपकी जान भी ले सकते हैं। जी हाँ, ये खबर हैरान करने वाली है लेकिन सच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। गुरुग्राम से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, साथ ही फूड लवर्स को भी बड़ा झटका दे दिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर एक महिला रोते हुए अपने मुंह की तरफ इशारा कर रही है। उसके साथ और भी 3-4 लोग हैं जो पानी से कुल्ला करते हुए अपनी जुबान की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनकी जीभ बुरी तरह जख्मी है और उससे खून भी निकल रहा है। वीडियो में एक और शख्स है जिसकी आवाज भी आ रही है, जो पुलिस को बुलाने की बात कर रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के तुरंत बाद इन सभी लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की माने तो रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस दिया गया था, जिसके बाद सभी की हालत बिगड़ी और उनके मुंह से खून निकलने लगा। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। बीते शनिवार ग्रेटर नोएडा के रहने वाले अंकित अपनी पत्नी और कुछ दोस्तों के साथ गुरुग्राम के ला फॉरेस्टा कैफे में एक दोस्त का जन्मदिन मनाने गए। अंकित बताते हैं कि खाना खाने के बाद एक महिला वेटर मिश्री जैसी माउथ फ्रेशनर लेकर आई। अंकित के हाथ में उसका छोटा बच्चा था, लिहाजा उसे छोड़कर बाकी 5 लोगों ने जैसे ही माउथ फ्रेशनर खाया तो कुछ ही सेकेंड्स में उनके मुंह से खून निकलने लगा। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही है कि इस वक्त इन लोगों के दर्द और खौफ का क्या आलम रहा होगा। ना तो इन महिलाओं के आंसू रुक रहे हैं और ना ही इनकी चीखें। इनके साथ ही इस शख्स का भी दर्द के मारे बुरा हाल है। अंकित ने बताया, किसी केमिकल रिएक्शन से सबके मुंह जल रहे थे और उनके मुंह से खून आ रहा था। हम चिल्लाए लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। रेस्टोरेंट के कर्मचारी वहां से भाग गए। हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन बिना इंतजार किए मैंने और एक दोस्त की पत्नी ने सबको 2 कारों से सेक्टर 90 के एक अस्पताल पहुंचाया। अंकित की माने तो डॉक्टर्स को दिखाने के लिए उसने रेस्टोरेंट स्टाफ से वो क्रिस्टल लिए थे जिसे खाकर उसके दोस्तों की तबीयत बिगड़ी थी। डॉक्टर्स ने कथित तौर पर माउथ फ्रेशनर बताई जा रही इस चीज को ड्राई आइस होने का अंदेशा जताया, जिसके बाद उसे पुलिस को दे दिया गया। नोएडा से आए अंकित की शिकायत पर रविवार को गुरुग्राम पुलिस ने वेट्रेस और रेस्टोरेंट स्टाफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B यानी कि आपराधिक साजिश और 328 यानी कि जहर से चोट पहुंचाने के तहत FIR दर्ज की है। वहीं ला फॉरेस्टा कैफे के मैनेजर श्रीधर का कहना है कि ये घटना रेस्टोरेंट की इमेज खराब करने की साजिश हो सकती है। श्रीधर की माने तो वो नहीं जानता कि वेट्रेस ने कस्टमर्स को एक्चुअल में क्या दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये ड्राई आइस, जो इतनी आसानी से किसी के आगे भी परोस दी जाती है और इतनी आसानी से अगर दी जा रही है, तो इतनी खतरनाक कैसे है? यही सवाल का जवाब अब हम आपको देने वाले हैं। दिल्ली के CK बिरला हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता बताते हैं कि ड्राई आइस या जिसे सूखी बर्फ भी कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप होता है। इसे -78 डिग्री जैसे मिनिमम टेम्परेचर में रखा जाता है। ड्राई आइस का इस्तेमाल चीजों को फ्रीज करने या ठंडा करने के लिए किया जाता है और ये सामान्य बर्फ की तरह जल्द पिघलती नहीं है, ना ही गीला करती है, बल्कि भाप बनकर उड़ने लगती है। आमतौर पर ड्राई आइस सुरक्षित होती है, लेकिन उसका तापमान कम होने की वजह से अगर ये त्वचा के संपर्क में आती है तो फ्रॉस्ट बाइट या कोल्ड बर्न जैसी समस्या हो जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होती है ड्राई आइस। तो सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 का ठोस रूप ही ड्राई आइस होता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एड्रियन जीन पियर थियोलियर ने ड्राई आइस का पहली बार 1835 में उत्पादन किया था। गैस का ये रूप बेहद ठंडा होता है। सामान्य बर्फ का टेम्परेचर जहां -2 से -3 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहीं ड्राई आइस का टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस वजह से ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ड्राई आइस का इस्तेमाल आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट्स जैसे फूड आइटम्स को ठंडा रखने के लिए एज अ कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके इस्तेमाल से बिना रेफ्रिजरेटर की चीजों को ठंडा रखा जा सकता है।
ड्राई आइस का यूज कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा को कार्बोनेट रखने के साथ ही बार या रेस्टोरेंट में ड्रिंक्स और फूड आइटम्स में परोसते समय अट्रैक्टिव स्मोकी इफेक्ट देने में भी किया जाता है। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार ठीक से इस्तेमाल ना करने पर ये खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा ये पिघलती नहीं है बल्कि सीधे गैस में बदलकर हवा में उड़ जाती है। इसलिए एजेंसी की गाइडलाइंस के मुताबिक इसका इस्तेमाल खुली हवा या किसी हवादार कमरे में ही किया जाना चाहिए। बंद कमरे में इसे यूज करने से सांस फूलने का खतरा हो सकता है। अब सबसे आखिरी और अहम सवाल कि अगर ड्राई आइस खा ली जाए तो क्या होगा। जैसा कि हमने अभी गुरुग्राम से सामने आई तस्वीरों में देखा कि ड्राई आइस का टेम्परेचर काफी कम होता है, जिसकी वजह से इसे खाना और खुले हाथ से छूना भी खतरनाक होता है। यह आपके फूड पाइप को जला सकती है और अंदरूनी अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसे खाने से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे आपके जरूरी अंग जैसे कि आपका हार्ट, आपके लंग्स, ब्रेन काम करना बंद कर सकते हैं। साथ ही खून में ऑक्सीजन की कमी के चलते हाइपोक्सीमिया हो सकता है। इससे आपका दम भी घुट सकता है। इसे खाने के बाद चक्कर आना, थकान, मतली, शरीर में झनझनाहट महसूस हो सकती है। गंभीर हाइपोक्सिया की स्थिति में भ्रम बने रहना, व्यवहार में बदलाव, गंभीर सिरदर्द, बेहोशी और लो ब्लड प्रेशर से मौत तक हो सकती है। चलते चलते आपको बता दें कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ड्राई आइस का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे डीजे नाइट हो या डिस्को फ्लोर, कोहरा और स्मोक इफेक्ट पैदा करने के लिए पार्टियों में अक्सर इसका यूज किया जाता है। तो बताइएगा, अगली बार बाहर खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर मांगे क्या? चलिए, माउथ फ्रेशनर मांगने या खाने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन खाने से पहले इतना जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें ड्राई आइस तो नहीं है। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।